अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आता है पीडीए पेटेंट डॉक्टर्स आर्ट्रियोसिस। उसमें क्या डॉक्टर आर्ट्रियोसिस खुली रह जाएगी, वुमन बर्थ के बाद बंद हो जाती है तो ये खुली रह जाएगी। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पीडीए हो सकता है, लार्ज पीडीए हो सकता है। स्मॉल पीडीए एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मरमर हमें एग्जामिनेशन में मिल रहे होते हैं। जो लार्ज पीडीए होते हैं उसमें फेलियर थ्राइव होता है, कार्डिक फेलियर होता है 6 से 8 हफ्ते में, ठीक है। कार्डिक फेलियर हो जाता है, डिजी होता है, फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, लार्ज वॉल्यूम एंड बाउंडिंग पल्स आ रही होती है। इसमें बीड वाइट पल्स प्रेशर होता है, पीडीए है, प्रोमिनेंट कैरोटिड पल्सेशंस है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन वीएसडी की तरह इसमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साइन आ रहे होते हैं, लाउड पी टू मिल रही होती है, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, तो मैंने आपको पल्मोनरी में बताया था, पी पी से मिलते हैं, पी टू लाउड होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा पी एक और बताया था, फैन सिस्टोलिक मर्मर आता है इसमें। तो इसमें ना सेकेंड इसमें कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर आते हैं एट लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया है, एज उन्होंने 6 से 8 हफ्ते बताई है, 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने का वक्त है, उसका 3.1 के जी वेट है, एमरजेंसी में है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ, रिफ्यूज टू फीड, बोर्न 34 वीक्स पे जेस्टेशन पे आया है, उसकी जेस्टेशन है उसकी, ठीक है। प्रीटर्म है, इंटरप्टेड फीडिंग है, टिकिपनी एक्सेसिव स्वेटिंग आफ्टर टेकिंग फीड, रेस्पिरेटरी रेट वॉज 70, हार्ट रेट वॉज 160, पल्स वॉज बाउंडिंग। तो बाउंडिंग पल्स मैंने कहा था इसमें मिलती है हमें, बाउंडिंग पल्स। इसके अलावा करप्ट्स आ रहे हैं और कंटिन्यूस मर्मर आ रहा है, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर्स। तो ये पीडीए है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गया, 6 महीने का बच्चा है, उसका वेट 4.5 केजी है, एमरजेंसी में आया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, रिलक्टेंट टू फीड है, बोन प्रीटर्म है, ठीक है। प्रीटर्म में ज़्यादा पीडीए होता है क्योंकि उसका बंद होने के बाद एक टाइम होता है, तो अगर तो प्रीटर्म है उसकी तो फिर उसमें बंद नहीं होगा। इंटरप्टेड फीडिंग है, टिकिपनी है, एक्सेसिव वेटिंग आफ्टर टेकिंग फीड, नॉट गेनिंग वेट, वेट गेन नहीं हो रहा है इसको, वेट लो, ठीक है, वेट मेंशन नहीं किया हुआ, हार्ट रेट 160 है, बाउंडिंग पल्सेस आ रही हैं, लेकिन सेंट्रल साइनोसिस नहीं है इसमें, ठीक है। बाउंडिंग पल्स जो हमने टॉप पढ़ा था उसमें साइनोसिस था, सेंट्रल साइनोसिस, इसमें क्रप्ट्स मिलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्रप्ट्स मिल रहे हैं, फाइन क्रप्ट्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूस मर्मर है, क्रप्ट्स हैं इसमें। वैसे नंबर 3 में क्या गया, 4 महीने का बच्चा, इमरजेंसी में आया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ एक्सेसिव स्वेटिंग है, स्वेटिंग ड्यूरिंग फीडिंग, हार्ट रेट उसका 16 है, आरआर इतना है, बीपी उसका कम है, उसका सिर्फ 4 केजी वेट है, 4 महीने का बच्चा है वो, हाइट 55 है उसकी, लिवर वाज 4 cm बिलो कोस्टल मार्जिन, कंटिन्यूस मर्मर आ रहा है एट लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, इंक्रीज हार्ट साउंड, हार्ट का साइज इंक्रीज है विद इंक्रीज पल्मोनरी मार्किंग्स, टॉप में पल्मोनरी मार्किंग्स कम हो गई थी, इसमें इंक्रीज हो गई है। तो पीडीए है, उसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया उसमें। कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन है वही कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर आ रही है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस भी एक क्लासिक और फीचर होता है पीडीए का, और इसके साथ उसको सीसीएफ के साइंस आ रहे हैं। सीसीएफ के साइंस क्या है, उसके राइट का साइन क्या है, उसको रेप्टम गैली हुई है, ठीक है, उसका इंक्रीज हार्ट का साइज इंक्रीज किया हुआ, उसकी पल्मोनरी वेस्कुलर उसकी वेस्कुलरिटी इंक्रीज हुई है, तो ये क्या है, सीसीएफ के साइंस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आ रहा है वो, डिजनी है उसे, फीडिंग के दौरान स्वेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रीटर्म है, तो प्रीटर्म हमने इसकी बात की थी, ठीक है, कार्डिया है, डिजनी है उसे, बायलेटरल क्रैप्स आ रहे हैं, हेप्टोमेगैली है, पीडी और कंटिन्यूस मर्मर आ रहे हैं पीडीए। आंसर देख लेते हैं, तो क्वेश्चन मैनेजमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन में हमने लार्ज पीडीए हो तब करवानी है, स्मॉल में नहीं करवानी, क्या करना है हम, वही एक्सरे ईसीजी को कार्डियोकैथेटराइजेशन एंजियोग्राफी मिलना क्या है हमें, एक्सरे में हमने कार्डियोमेगैली मिलेगी, हमने ये कहा था कार्डियोमेगैली मिलेगी, इसमें लेफ्ट हार्ट की एनलार्जमेंट होगी, टॉप में राइट साइड की वो हाइपरमेगैली थी, इसमें एनलार्जमेंट थी, इसमें लेफ्ट हार्ट की है और डबल कंटोर मिल रहा है राइट हार्ट बॉर्डर का। इसके बाद है ईसीजी में क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि लार्ज लेफ्ट टू राइट शंटिंग है। इसके बाद राइट वेंट्रिकुलर की दोनों की हाइपरट्रॉफी मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट की क्यों मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे शंटिंग है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग है, उसकी वजह से प्रेशर। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों है, क्योंकि वहाँ पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई है, इको पे हमें लार्ज लेफ्ट एट्रियम मिलेगा, वहाँ पे इको में हमें क्या मिलेगा था, लेफ्ट राइट साइडेड इलार्जमेंट थी, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की इको पे हमें इलार्जमेंट मिल रही है। ट्रीटमेंट क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट हमने प्रीटर्म बेबीज़ में करना है, इनमें हमें इंडोमेथासिन देनी है 2.2 केजी, ठीक है, 3 डोजेज देनी है, 8 से
12 घंटे के फासले पर, इसके अलावा ब्रूफन दे सकते हैं, इंडोमेडिसिन देनी है उसको 0.2 के। सर्जिकल ट्रीटमेंट के एलिगेशन कर दें और जो डक्ट साथ जो डक्टस की डिवीजन कर दें, ठीक, लगेशन एंड डिवीजन ऑफ द डक्टस बिफोर 1 ईयर ऑफ एज।